हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं जल्दी ही, तो फिर जल्दी ही खाना पीना हो जाता है दोपहर का। बच्चों के जैसे कि टेस्ट चल रहे हैं तो उनकी छुट्टी जो है 11:30 हो जाती है, और 12:45 या 12 तक वो आ जाते हैं घर पे। तो फिर आते ही उनको खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो लेके नहीं जाते हैं और खाकर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ दूध दूध पीकर जाते हैं। खाकर जाने के लेकर जाना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की तरह से ही हो रहे हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है और एग्ज़ाम पेपर भी मिलता है घर के लिए, तो वो लेकर तो जाते ही नहीं है, अलाउ नहीं है, लेकिन खाकर भी नहीं जाते। कितना भी बोलो मना कर देते हैं, और जब मैं कहती हूँ खा लो, फिर विपिन डांटने लगते हैं उनको कि खा के जाओ खा के जाओ, तो फिर मेरे को अजीब सा लगता है। इसलिए मैं एक दो बार धीरे से ही पूछती हूँ दोनों को, क्योंकि उनका मन होता है तो वो बता देते हैं, तो वो मना कर देते हैं, तो फिर मैं नहीं पूछती हूँ, क्योंकि फिर विपिन उनको डांटे, वो रोएं, किलसे किलस के खाएं, फिर बड़ा अजीब सा लगता है। और विपिन भी प्यार करते हैं, इसीलिए उनको डांटते हैं कि खा लो खा लो। तो बस अभी मैं उसी तैयारी में लगी पड़ी हूँ, और विपिन भी बस रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। उनके लिए भी कुछ बनाऊंगी अभी। कितने हैं? सात पूरे हैं ना? हाँ। कमेंटिंग हो ही गई? हाँ। वो LIC? तो आप LIC कर देना, और वो बिजली का बिल वो भी क्लियर कर दो, बच्चों की फीस हाँ तो वो भी करो यार क्लियर। भूल जाओ आप तो, रोज याद दिलाओ, टाइम ऊपर हो गया, पेरेंटी लगती है फिर। तो महीना शुरू होता है, शुरू होने के बाद 15 तारीख तक जो है ऐसे ही लेने देने वाले काम याद आते रहते हैं, और उनको हम करते रहते हैं। और वही मैं यहाँ पे विपिन से बात कर रही थी, मुझे डाक खाने जाना था तो उनके सुए पे मैं पैसे ले रही थी उसके लिए। और यहाँ पर मैं फिर सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, वही जैसे सिंपल बनाती हूँ। आलू मटर जैसे कुछ लोग प्याज काट के बनाते हैं, मैं ग्रेटर या फिर चोपर में करके बनाती हूँ प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को। और आजकल की जो हरी मिर्च आ रही है ना, वो बहुत तेज़ आ रही हैं, तो मैं वही डालती हूँ 4-5, और लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, रंग वाली लाल मिर्च डाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लालपन या थोड़ा सा हल्का सा कलर सब्ज़ी में चाहिए, पीली पीली सी या सफ़ेद सी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने ये रंग वाली डाल ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, ये भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि मुझे तरी टाइप वाली सब्ज़ी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये सब्ज़ी कहीं जाना है दिखाने। तो इस वजह से, तो फिर मैंने जो है इसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे, और साथ में टमाटर भी चोपर करके डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको पकने के लिए रख दिया था ढक्कन ढक के, क्योंकि ढक्कन जब हम चीज़ों को पकाते हैं तो वो जल्दी पकती हैं। और साथ में अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी, और इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर इसको भी मैं मसालों के साथ भून लूँगी अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी आलू और मटर। मुझे आलू बहुत पसंद होते थे कभी किसी टाइम पर, लेकिन अब मेरे बच्चों के चक्कर में इतने आलू बनते हैं कि अब मुझे आलू नहीं पसंद है। वो तो शुक्र है कि अब तो ये फिर भी बहुत सारी चीज़ें खाने लगे हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि ये दोनों ही सिर्फ आलू पर डिपेंड थे, या फिर एक दो दाल पसंद थी, अब तो ये दालें छोले भी सब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दिया, ढक्कन लगा दिया, 3 सीटी लगाऊंगी, और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, सॉक्स वगैरह पहनने लगी हूँ, मुझे पैरों में ज़्यादा ठंड लगती है, और दूसरा स्वेटर की भी हो जाती है ठंड, ऐसा नहीं है ठंड स्वेटर की नहीं लगती, लेकिन मेरे कंधे दुखने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे पहना ही नहीं जाता। मैं उतार देती हूँ थोड़ी बहुत देर पहन भी लूँ तो। मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो यहाँ पे मम्मी से बात कर रही हूँ, और मम्मी से बस, मम्मी मेरा फ़ोन मिला रही होंगी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने विपिन को किया, फिर विपिन ने मुझे किया, फिर मैंने मम्मी को किया, पता नहीं कि मम्मी के फ़ोन से मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं तन्मय जी, तो इनकी मैंने कहा चलो ड्रेस वगैरह उतार देती हूँ, फिर इनको रोटी दूंगी बनाकर। यहाँ पे मैं इससे बात कर रही थी कि टेस्ट कैसा गया, क्या किया, तो ये बता रहा था मम्मी इतना अच्छा टेस्ट किया है मैंने, बस आप पूछो मत, आप देखते रह जाओगे जब मेरा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है मैंने कुकर खोला, इसमें धनिया डाल दिया था, थोड़ा आलू को जो है मैं करछी से कर देती हूँ, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और बहुत अच्छी लगती है। 2-4 आलू फोड़ दीजिए, ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है, जो पानी होता है सब्जी का वो गाढ़ापन आ जाता है। और यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लगी थी इनके लिए, तो दूध उबाला था वो भी साइड पे रखा हुआ है, आज दूध भूल ही गई थी, अभी थोड़ी देर पहले उबाला है दूध ना,
सब्जी के साथ साथ ही। तो यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, इन दोनों को रोटी खिलाऊंगी, मैं भी देखती हूँ, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा फिर से शुरू हो गई हूँ अपने लिए केयर कर रही हूँ अपनी। तो मैं रोटी जो है एक ही टाइम खाती हूँ, शाम में रोटी नहीं खाती हूँ। और मैं सच बताऊँ आप लोगों को, जब से ये मैं करने लगी हूँ पिछले एक हफ्ते से, तब से मेरी सांस की प्रॉब्लम में मुझे काफ़ी असर महसूस दे रहा है, काफ़ी मुझे रिलैक्स लग रहा है। मतलब मुझे कल पूरा दिन जो है सांस की प्रॉब्लम बहुत ही ना के बराबर हुई। जैसे पिछले कई दिनों से मुझे ऐसे हो रहा था, पूरा पूरा दिन होता था, कुछ खा लूँ तब होता था, ऊपर चढ़ जाऊँ तब होता था, वो तो अभी भी सांस चढ़ते हैं, लेकिन जो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, जो बैठे बैठे भी हो रही थी, वो अब कम हो गई है। तो बच्चों को खाना पीना खिलाया, उसके बाद थोड़ी बहुत देर हम बैठ गए थे, मैं और भाभी, हम डाक खाने भी गए थे जो कि काम नहीं बना। उसके बाद अभी जो है 5 बजने वाले हैं, और यहाँ पे मैं खाट वगैरह हटा रही हूँ, मेथी साफ़ करी थी यहाँ बैठकर, तो ये ट्रे भी अंदर लेके जाऊँगी, कुर्सियाँ समेट दी हैं। तो अब जो है एकदम से ठंड, एकदम से रात हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में, 5:30 बजे के बाद एकदम हो जाती है रात। आज ना मैंने ये अपना नया सूट पहना है, और जब से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने हाय हेलो कुछ भी नहीं किया। ये सूट पता है मुझे, जब ये मैंने देखा था, मेरी ही शॉप का है, तो ये मुझे ना सिर्फ दुपट्टे की वजह से पसंद आया था। मुझे इसकी कुर्ती इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितना अच्छा इसका दुपट्टा लगा था, और इसीलिए मैंने सुबह से दुपट्टा लिया हुआ है। डाक खाने गए थे लेकिन डाक खाने का काम ही नहीं बना, खिड़की बंद कर दी। गया हुआ है ट्यूशन, गुड्डू अपना पढ़ रही है, और गुड्डू वहीं बैठ के पढ़ रही है जहाँ वो टेस्ट पढ़ रही होती है। आके यहीं सो गई थी, यहीं उठी और फिर खाना खिलाया इसको, अभी अमरूद वगैरह खाया इसने। अभी थोड़ी बहुत देर में देखते हैं कुछ और खाना पीना चाहिए होगा, तो मतलब शाम का हो रहा है ना, या तो दूध बना लेते हैं, किचन बंद करूँ क्योंकि थोड़ी देर उस कमरे में बैठूँगी। पहले मैं अपना फ़ोन ले लूँ यहाँ से, मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ पे। मेथी जो है रखी साफ करके, ये इधर देखते हैं क्या बनता है इसका, क्या नहीं बनता है। आलू मटर बनाए थे थोड़े से, वो भी रखे हुए हैं, तो शाम को देखते हैं उसी से हो जाएगा मेरा। तो मैं तो कुछ और ही खाऊंगी, मैंने तो लौकी भी मंगाई हुई है, और मेरा मन भी नहीं है खाने का, तो ज़बरदस्ती नहीं खाऊंगी। जैसे थोड़ा बहुत मन होता है ना तब भी खा लेते हैं छक के, अब तो शोल चाहिएगा यार, चुन्नी से काम नहीं चलेगा। पर ये अच्छा लग रहा है ना, चुन्नी अच्छी लग रही है ना आप लोगों को भी, सूट चाहे इतना अच्छा लगे ना लगे, इस तरीके से ये इस पे पैच लगा हुआ है, इधर भी है और ऊपर की साइड भी है, बटन वगैरह है ऐसे है। ये पाइपिंग करवा ली थी पल्ले पे और बाजुओं पे। चलो बैठती हूँ मैं थोड़ी देर अब ना। लोगों की बदतमीजी इतनी होती है ना, बेशर्मी बदतमीजी कह लो, या इतने वाहियात लोग, इतने गंदे लोग भी होते हैं कभी कभी, ऐसा देख के तो ऐसे लगता है कि यार हाँ सच में होते हैं ऐसे लोग। मतलब जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बिजनेस नंबर है, वो बिजनेस नंबर ही है, और वो नंबर बिजनेस के पर्पज़ से ही लिया गया था और सबको दिया गया था, जो मैं वीडियो में देती हूँ या जो मैं व्हाट्सअप बिजनेस मतलब जो चलाती हूँ, जो आजकल बहुत सारे लोग चलाते हैं, और वो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए ही होता है। मैंने तो कॉल भी बंद की हुई है लेकिन व्हाट्सअप वाली कॉल आ जाती है, तो उस पर जैसे कुछ लोग होते हैं वो बात करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। कुछ लोग गुड मॉर्निंग भेजते हैं, गुड नाइट भेजते हैं, तो मैं अगर उनका मैसेज चेक करती हूँ तो मैं भी भेजती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बात ना करो, पहले भी हुआ है मेरे साथ ऐसे, शायद मैंने शेयर किया है, पता नहीं नहीं किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोन हाथ में है, हम देख रहे हैं, तो एकदम से होता है कि यार इस चीज़ पे बात करते हैं, कि लोग ऐसे भी होते हैं। तो आज क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पहले मैंने बताया है कि नहीं बताया, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो होता क्या है ना, जैसे हाय
मैंने उनका मैसेज नहीं देखा क्योंकि मैं देखी ओपन हुई, ऑनलाइन आई हूँ उस पे नंबर पे, तो मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ, कस्टमर का कुछ काम करना है मुझे, या तो उन्हें स्लिप देनी है, या फिर उनका एड्रेस नोट करना है, या फिर उनका ऑर्डर आया है तो उसको देखना है, पेमेंट चेक करनी है, या फिर मेरे खुद के कुछ नंबर्स उस नंबर पे हैं जिन्हें मैं ऑर्डर देती हूँ, तो उनके डिज़ाइन देखने के लिए जाती हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ, है ना, ऐसे हैं कस्टमर लोगों की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो थोड़े से पता नहीं क्या सोचते हैं। तो मतलब वो मैसेज करे जा रहे थे, मैं अपना एक पता क्या है, मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं वो देख रही हूँ, स्टॉक देख रही हूँ, वो बार बार कॉल मैसेज कॉल मैसेज कॉल बहुत ही कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैंने कर रही थी, वो मैम थी तो करे जा रही हैं करे जा रही हैं करे जा रही हैं। फिर मैंने उनको मैंने बोल ही दिया, मैंने कहा मैम 2 मिनट रुकिए मैं बिज़ी हूँ। तो भैया इतने लंबे चौड़े मुझे उन्होंने भाषण दिए हैं, ऊपर से जो गालियाँ लिखी हैं, भाषण तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि ये बंदी ऑनलाइन बैठी है रिप्लाई नहीं कर रही। वो मैं जानती हूँ कि मैं अगर ऑनलाइन हूँ तो मैं बिज़नेस नंबर पर ऑनलाइन जाती ही क्यों, जब मुझे उस पर कुछ काम होता है, या तो मुझे अपने कस्टमर को देखना होता है, उनका कुछ काम होता है, उनका कुछ मैसेज आया, उनसे तमीज़ से बात कर रही हूँ। एक दो बार ऐसे ही हुआ, मतलब होता ये कई बार ही है, लेकिन जो बदतमीज़ी की हद पे जाता है मैं आपको वो बता रही हूँ। एक ये है आज वाला, एक और हुआ था शायद साल भर हो गया 6 महीने हो गया, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और मेरा मन आया था कि मैं इस नंबर की ना कंप्लेन कर दूँ। मैंने उनको बोला भी था, फिर वो सॉरी वगैरह बोलने लगी थी। वो तो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो तो आज वाले से भी अव्वल दर्जे में थी, उनकी तो मैं तुम्हें बात ही नहीं बता सकती आप लोगों को कि बोला क्या क्या उन्होंने, हैरान हो जाते हैं ना ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले हुए थे। और फिर जब मैंने, और पता क्या किया उन्होंने वो बातें मुझे बोली, मैंने देख ली, मैंने उनको फिर हाथ वाली जो इमोजी होती है जोड़ के भेजने वाली वो भेजी। वो उसके बाद क्या करती हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले चुकी थी और वो स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लिए थे कि यार ये इस नंबर की मैं कंप्लेन करूँगी, क्योंकि ऐसी गंदी भाषा किसी के लिए आप व्हाट्सअप पे यूज़ कर ही नहीं सकते। अपनी बात रखने के कई दो तरीके तो होते हैं, एक अच्छे तरीके से एक बुरे तरीके से, मुझे लगता है अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। तो फिर जब मैंने उनको बोला, उन्होंने अपने मैसेज डिलीट कर दिए, मैंने फिर उनको उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा कि आपने डिलीट कर दिए बेशक ही, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, दूसरा जब मैं आपके नंबर की वो करूँगी रिपोर्ट करूँगी तो वो तो अपने आप निकाल लेंगे आपने मुझे क्या मैसेज किया, वो सब निकल जाता है। मतलब मैंने कहा यार हद है यार, अजीबोगरीब लोग होते हैं। ये मेरे साथ 4-5 बार ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हर रोज़ ऐसे ही होता है, नहीं, आराम से बंदे गुड मॉर्निंग भेजती हैं जो मैम जो भी मतलब लेडीज़ हैं, या गुड नाइट भेजना है या कोई अच्छा सा मैसेज भेजना है उनको रिप्लाई जाता है। लेकिन यार तुम ऐसे गंदे शब्द यूज़ करोगे तो मैं कैसे रिप्लाई करूँगी, फिर आकर आप कमेंट बॉक्स में बोलो कि रिप्लाई नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, ऐसे लोगों को रिप्लाई किया जाता है? ऐसे लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स या जानने वाले उनको भी नहीं किया जाता? तो प्लीज़ आप खुद ही मुझे बताना मैं गलत हूँ कि कौन गलत है। तो चलो, काफ़ी सारी बातचीत ही कर ली मैंने, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।